बीते दिनों उपकेंद्र हजियापुर पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य कर रहे लाइनमैन विपिन कुमार का 11,000 की लाइन पर कार्य करने के दौरान चपेट में आने के कारण हुए हादसे के संबंध में आज डीएम कार्यालय पहुंच विद्युत कर्मचारियों ने ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा, बीते दिनों हादसे में घायल हुए विपिन कुमार का इलाज एक निजी चिकित्सालय में चल रहा है, जिसके बाद भी कोई भी विभागीय जांच व विभागीय मदद उसको नहीं मिल पा रही है। इस संबंध में आज डीएम कार्यालय में आकर ज्ञापन सौंपा गया। आइए सुनते हैं क्या कुछ बताया है विद्युत कर्मचारियों ने मीडिया से बातचीत करने के दौरान। क्या बात है, डीएम साहब से क्यों मिलने आया था? इसलिए मिलने आया था, मैं पहली बार तो उत्तर प्रदेश जनता संघ का कर्मचारी था, जिला उपाध्यक्ष विनोद कुमार। मैं इस चीज़ को संज्ञान में करने के लिए आया था डीएम साहब कि हम लोगों को कई माहों से वेतन नहीं दिया जा रहा। अभी बीच में हमारा एक साथी हजियापुर सब स्टेशन पर विद्युत कार्य करते हुए लाइन से चपेट में आ गया, जिसकी हालत नाजुक है, उसका हाथ तक कटने की संभावना है, जो कि अभी उसको सफदरगंज दिल्ली किया गया था, अब उसको यहाँ लाया गया केपी सिंह हॉस्पिटल में। अभी तक किसी भी हमारे अधिकारी ने उसको देखना, यहाँ तक कि अवर अभियंता या सहायक अभियंता या एसडीओ कोई भी मार्फत उसको देखने के लिए नहीं गया। आज उसकी इसकी स्थिति है, कम से कम उसको जाकर उसके दवा के उपचार के विषय में उससे बात की जाए, उसको पैसा दिलाया जाए, ऐसा भी कोई विभागीय मदद कोई नहीं मिल पा रही है। कोई भी मदद नहीं मिल रही है और उसके पश्चात अभी तक फरुखाबाद के अंदर 620 कर्मचारी विद्युत विभाग में काम कर रहे हैं, जिनको अभी तक अक्टूबर माह का पेमेंट देने के बाद अभी तक कोई पेमेंट। आईजीएम साहब ने क्या बात क्या कहा है? उन्होंने कहा, आश्वासन दिया कि मैं एक्शन साहब से इसका जो है बात करता हूँ और आपको कराता हूँ, यही बात। बच्चे बड़े सबका पसंदीदा स्वाद मक्के दी रोटी ते सरसों दा साग लेकर आया है पंजाबी चाप कॉर्नर। बेसी कबाब, पनीर अंगारा, मलाई चाप, शाही पनीर, दाल हांडी, स्पेशल कैंडी के साथ और भी बहुत कुछ। खाना यहाँ पे बढ़िया है और स्वादिष्ट है। 500 के ऑर्डर पर 90 चेयर गेम बिल्कुल फ्री। इस मौसम अपने परिवार के साथ जरूर आए। पता नेकपुर फरुखाबाद।